नमस्कार दोस्तों, आशीष होम किचन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके संग शेयर करना जा रही हूँ, जो कि आपके घर को कोरोना वायरस संक्रमित होने से बचा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपके संग स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है, WHO द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि हर 2 घंटे या आपको जब लगे कि आपके हाथ गंदे हैं या कहीं टच हुए हैं, आपको ऐसा फील हो, तो आपको अपने हाथों को तकरीबन 20 सेकंड के लिए धोना है। तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो हैंड वॉश करने के लिए सबसे पहले हम लोग को खोलेंगे, हाथों को थोड़ा ढीला करेंगे, ओपन करेंगे, हैंड वॉश ले लेंगे, फॉर्म जनरेट करेंगे अच्छे से, नोम पे भी लगा देंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने हैंड को क्लीन करेंगे। सबसे पहले इस तरह से उंगलियों के बिल्कुल नीचे तक, उसके बाद पीछे नीचे तक करना है, दूसरी साइड से भी। उसके बाद हम मुट्ठी बना के इस तरह से साफ करेंगे। अंगूठा बच गया था तो अंगूठा साफ करेंगे। फिर पाम भी करेंगे अच्छे से। फिर अपनी रिस्ट पे अच्छे से, उसके बाद नल को खोलेंगे और हाथों को अच्छे से साफ करेंगे। नोक को भी साफ कर देंगे, क्योंकि संक्रमित हाथों से अगर आप इसे छूते हैं तो ये भी संक्रमित हो जाता है। तो इसे मैंने डिसइंफेक्ट कर दिया है, इसे बंद कर देंगे। अब एक साफ टॉवल की मदद से हाथों को अच्छे से सुखा लेंगे। कोशिश करें कि हाथ साफ करने के लिए आप एक अलग ही सेपरेट टॉवल रखें। नाना, आप इसको अपनी कोहनी की मदद से बंद करें। ये तो था हाथों को साफ करने का एक सरल और बहुत ही सुरक्षित तरीका। तो इसमें जो 2 बातें बहुत ही खास है, जो नल है जिससे आप पानी से आप हाथ धो रहे हैं, नोक, उसको आपको भी साफ करना है, क्योंकि जब आप अपने संक्रमित हाथों से उसको छूते हैं तो वो एक मेटल का होता है या जो भी धातु का वो बना हुआ है, तो उस पे संक्रमण के जो विषाणु हैं वो लग जाते हैं। तो उसको आप जब अपने हाथों को फॉर्म बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें भी लगाते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया। ये तो हो गया पहला कि आप अपनी नोक को भी संक्रमित रहित करें। दूसरा है स्विच को ऑफ करना। स्विच को ऑफ करने के लिए डायरेक्ट अपनी हाथों से उसको टच ना करें, अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। कोहनी के इस्तेमाल से ये होता है कि ये हमारे शरीर पे या हमारी फेस पे डायरेक्ट टच नहीं होती है, तो इससे संक्रमण का खतरा जो है थोड़ा कम रहे। सबसे खास और महत्वपूर्ण बात, अपने हथेलियों से या अपने हाथों से अपने फेस, आंख, नाक, अपने मुंह को छूने से आप बचें। जितनी बार आप अपने फेस को छूते हैं तो हो सकता है कि संक्रमित हाथों से विषाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, जो आपको आगे जाके संक्रमित भी कर सकता है। तो चलिए, ये तो हो गए WHO द्वारा गाइडलाइन में दिए गए हाथों की सफाई की प्रक्रिया। अब शुरू करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, जो कि है घर से यदि कोई बाहर जा रहा है सामान लेने के लिए तो उसको किस तरह की सुरक्षा का ध्यान रखना है। सबसे पहले घर से किसी एक व्यक्ति का ही जाना उचित है, तो उसके लिए उसको अपने फेस को मास्क से ढकना चाहिए, अपने बालों को भी किसी प्रकार की कैप से ढक लेना चाहिए, हो सके तो फुल स्लीव के कपड़े पहने और स्लीपर्स या जूते पहने तो वो ज़्यादा सेफ होगा। घर से ही आप अपने जो भी कैरी बैग है वो ले जाएं, और ज़रूरी हो तो जो कैरी बैग है उसमें प्लास्टिक की कोटिंग हो तो वो बहुत ही ज़्यादा उचित होगा। तो जाने से पहले अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो संक्रमित होने से बचा जा सकता है। जैसे कि यदि आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिफ्ट में बटन को छूने से आप डायरेक्ट बचें, हो सके तो टिश्यू पेपर
या फिर अपनी कोहनी की सहायता से बटन को ऑन करें, आप उसमें सुरक्षित जाएं। अगर यदि आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेलिंग पे डायरेक्ट टच ना करें, आप उससे थोड़ा सा दूर हटके ही जाएं, मतलब डायरेक्ट आपको टच नहीं करना है। जब आप शॉप पे पहुंचे या जहां पे भी आप जा रहे हैं, शॉप पे जाने पे आप सरफेस पे डायरेक्ट हाथ रखने से बचें और सामान लेते समय कैरी बैग को आप अपने पास ही ओपन करके रखें और सामान को डायरेक्ट उसमें लें, किसी के हाथों से आप सामान लेके उसमें ना रखें, और भीड़ भाड़ वाली जगह से आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। हो सके तो आप अपने सहयोगियों को बोल दें कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े रहें, जिससे कि सब सुरक्षित रहें। अब बारी आती है घर आने की, तो चलिए देख लेते हैं। पानी का मैंने एक टब रखा था, उसमें मैंने डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाल दिया था, आपके घर में है वो आप डाल के ही पहले अच्छे से फीट को साफ कर लें, उसके बाद आप उसके आगे एक पायदान रख दें, उसमें पोंछ के ही अंदर घर में एंटर करें। घर आने पे आप बेल को डायरेक्ट टच ना करें, अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें, जिससे कि संक्रमण होने का खतरा कम होता है। साथ ही दरवाजे की नोब को भी ना छुए, कुंडी को बिल्कुल भी ना टच करें। घर में एंटर होने से पहले ये प्रोसीजर आप जरूर निभाएं। जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको सीधे नहाने जाने के लिए कहें और अपने कपड़ों को या तो मशीन में या यदि आप हाथों से धोती हैं तो एक बकेट में पहले ही गर्म पानी में सर्फ डाल के पहले ही रख लें, जिससे कि सारे कपड़े डायरेक्ट उसमें ही आप डाल सकें। और जो सामान लाया गया है उसको आप एक उचित सुरक्षित स्थान पर जो आपने निर्धारित की है अपने सामान की, वहाँ पर रखवा दें, और जो कैरी बैग हैं उनको आप धूप में डाल दें। धूप में डालने से ये होगा कि उसमें जो भी विषाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि बाहर से यदि आपने दूध मंगाया है जो कि पैकेट्स में आता है, तो उसको संक्रमण रहित कैसे करें, ये देख लेते हैं वीडियो में। इसको मैं छूंगी नहीं क्योंकि थैली को पहले मुझे डिसइंफेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत, जब इसको लेने के लिए गए तो बहुत भीड़ थी बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, थैली को ना ही टच मुझे करने दिया है ना खुद करा है, डायरेक्ट उन्होंने सिंक में डाल दिया है, तो मैंने भी उसी हिसाब से तैयारी रखी हुई है। तो मैं अब आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसको आप किस तरीके से क्लीन करके यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्मल साबुन जो मैं अपने घर में बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हूँ उसका एक अलग से फॉर्म बना के आजकल मैं रख रही हूँ, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने डाल दिया है और नल चालू कर देंगे। यदि आप खुले बर्तन में दूध लेती हैं तो उसके लिए जो बर्तन आप यूज़ कर रही हैं उसको डायरेक्ट दूध वाले के हाथ पे ना दें, उसके जो भी माप का जो उसका साधन है जो वेसल है उससे आप लें और उसको डायरेक्ट हाथ में ना दें। साथ ही जब वो दूध लेके आप आए घर में तो या तो डायरेक्ट उसको गर्म करें या उसको किसी गर्म करने वाले बर्तन में पोर करके उस केटल को तुरंत ही धो दें, जिससे कि संक्रमण होने का खतरा जो है थोड़ा कम हो जाता है। अब बारी आती है सब्जियां। सब्जियों को संक्रमण रहित कैसे करें, इसके लिए चलिए देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे ये वीडियो। थैले में सब्जी हो तो डायरेक्ट उसको आप थोड़े से गर्म पानी में पहले ही एक बर्तन ले लें, गहरा बर्तन, और उसमें डायरेक्ट सब्जियां पलट दें। मैं यहाँ को आपको बताने के तौर पे खाली टमाटर ले रही हूँ, ज़्यादा देर ना रखें, इसको धो दें अच्छे से। और अलग निकाल लें। तो ये बहुत ही इजी और बहुत आसान है अपने घर को डिसइंफेक्ट रखना इस समय कोरोना वायरस से। यह मैंने टमाटरों को जो संक्रमण रहित करने के लिए जो पानी का तापमान रखा है वो है 60 से 70 सेल्सियस। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि इतना होना चाहिए टेम्परेचर, जिससे कि जो क्लीनिंग है और जो संक्रमण है वो खत्म हो जाएगा। और 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण हैं, इस समय आप अपने घर में यदि काम वाली आपके घर में आती है मेड तो उसको आप मना कर दें, क्योंकि उससे भी संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। और न्यूज़पेपर बंद करें, ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग जो है आप उसको पूर्णतः बंद कर दें। अगर आपने मंगाया है तो उसको आप 3-4 घंटे धूप में रख दें,
या फिर किसी सुरक्षित जगह पे 30 से 40 घंटे रख दे। धूप में सुखाने वाली वस्तु है तो उसको धूप में 3 से 4 घंटे जरूर सुखाएं। एक्सपर्ट का मानना है 30 से 40 घंटे उसको सेपरेट रखने से संक्रमण रहित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कोरोना वायरस से अपने को अपने परिवार को सुरक्षित रखने की। अब हम गृहिणियों की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर ना जाने दें। समय है अपने परिवार, अपनी सोसाइटी और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हम ये जिम्मेदारी उठाएं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।